पिता जी के चरणों में बेटे संतोष का लाल बहादुर। इसके पहले पिताजी जब भी आया करते थे, पिताजी नमस्ते प्रणाम करता था तो आशीर्वाद देते थे, अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह प्यार से पुचकाते थे। लेकिन आज मुंह फेर लिए पिताजी, आखिर बात क्या है, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ऐसी मुझसे क्या भूल हुई, क्या गलती हो गई है कि आप मुझसे खफा रहते हैं? आखिर ये नाराजगी का कारण क्या है? मैं नाराजगी का कारण जानना चाहता हूँ। क्या कहा संतोष, मेरी नाराजगी का कारण जानना चाहता है तो सुन बेटा, मैं बता रहा हूँ। मंदिर में कर लिया, मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, अच्छी सी बहू लाऊंगा, अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छे खानदान में करूंगा बेटा संतोष। तो आपके कहने का मतलब अब मैं समझ पाया, आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मारकर इस घर से भगा दूं। आप मेरी दूसरी शादी करेंगे, मेरी शादी में आपको बहुत सा दहेज मिलेगा, आप खुश रहेंगे। पिताजी मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। इस दुनिया में सहारा देगा कौन, ठिकाना देगा? अब
आखिर कौन मैं भगा दूंगा, कौन उसका हाथ थामेगा? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी को इस घर से मार के कभी नहीं भगा। क्या कहा? अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के नहीं भगाएगा। इधर आ, अबे देख लिया क्या कह रहा है? कह रहा मैं शादी किया हूँ और उसके मांग में सेजू डाला हूँ, घर से मार के कैसे भगाऊंगा? अरे राम बहादुर को जानता है, जब पंकज कुमार की शादी किया था तो एरिया में तहलका मच गया था। अरे साल ही कहता था कि जगन्नाथ साहिब क्या अपने बेटे की शादी किया। लेकिन ये दूसरा लड़का कैसा है जो कि बिना किसी से पूछे आते अपनी शादी एक अनाथ एक बेसहारा एक बच्चा लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। खानदान का बहुत बड़ा पान हुआ है। अभी जिस इलाके में चलता था सर उठा के चलता था, लेकिन आज संगीदा हो गया मेरा। लेकिन संतोष तुझे मेरी बात माननी होगी, अगर नहीं मानेगा तो समझ ले फिर बेटा इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। लाल बहादुर हाँ भैया, जरा तुम ही समझाओ, जरा सोचो किसके पहले दिन मेरी पत्नी जब इस घर में आई, अगर मेरे पिताजी कहते कि मैं इससे खुश नहीं हूं, इसे मार के भगा दे, उसी वक्त मैं उसे भगा देता। लेकिन आज मेरी बीवी दो दो बच्चों की मां बन गई है, कैसे उससे भगाओ? मुझसे नहीं होगा। इससे पहले इनकी बदनामी नहीं होती थी, बेइज्जती नहीं होती थी, समाज में बुराई नहीं होती थी, लेकिन आज बुराई हो रही है। जब बेटा शिवम बड़ा हो गया है, पढ़ लिख रहा है, मेरी सावित्री दो दो बच्चों की मां बन गई, आज बुराई हो रही। उस वक्त बुराई नहीं हो रही थी जब वो मां नहीं बनी थी। मुझसे नहीं होता, मैं नहीं भगाऊंगा। मेरी बात कहे माने को कान घोर का सुन ले। घर का मालिक हो, घर का गार्जियन हो, जो मैं कहूंगा वही तुम लोग को करना होगा। आज आप पैदा लेके घर से निकल जाओ। पिताजी मैं मान रहा हूं कि आप मेरे बाप हैं, मैं आपका खून हूं, इस घर के आप गार्जियन हैं, मुखिया हैं, लेकिन इस घर में मेरा भी तो अधिकार है, क्योंकि मैं आपका खून हूं, आपका औलाद हूं। अगर आपका यह अटल फैसला है तो मेरी भी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
तो मेरी भी जिद यही है। इस गांव में मेरा अधिकार है, मेरा हक है। आप ये चाहते हैं मैं अपनी बीवी को भगा दूं? ये फैसला आपका है। अगर मेरी जन्म देने वाली माँ मुझसे ये कह दे कि बेटा संतोष अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जा, तो बड़े शौक से चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मेरी माँ मुझसे नहीं कहेगी मैं ये घर छोड़ के जाने वाला। अरे लाल बहादुर। हाँ बाबू। अरे सुन लिया क्या कह रहा है? आप कहा जब तक हमारे महतारी ने कहे तब तक हम घर छोड़ के जा नहीं जाऊंगा। तो ठीक है दे, अगर इतनी माँ की बात है तो जाके सिर्फ पर्वतियों को बुलाना, हराम हो क्या बहुत ज्यादा है।
झोपड़ी बनाओ। ठीक है स्वामी, मैं इसी बार तलब हो जाऊंगी, लेकिन मेरा आधा हिस्सा बांट दीजिए तब। कैसा हिस्सा? अबे लाल बहादुर, अबे पार्वती हिस्से की बात कह रही है। मैं भी कोई भगा से नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ कोर्ट मैरिज कराकर। कोर्ट के कागज है मेरे पास, कोर्ट तक जाऊंगी तब आधा हिस्सा बांटोगे। अबे तो बहुत लंबा सपना देख रहे लाल बहादुर। अबे कह रही है कोई भगा के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कराई हूँ और कोर्ट का कागज मेरे पास है। लेकिन पार्वती तुझे मालूम नहीं है कि अदालत में यहाँ लगता है फैसला वही होता है जो जगन्नाथ चाहे चाहते हैं। इसलिए तुझे मेरी बात नहीं मानना है तो ठीक है पार्वती, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मालूम होगा कि जब मैं पैदा हुआ था तो रात को 12 बजा था, रात 12 बजे इंसान नहीं शैतान पैदा होते हैं। घर में ऐसी आग लगा दूंगा कोई माई गलाल बुझाने वाला नहीं मिलेगा।